बिरयानी बनाने के लिए आधा किलो चावल लिया है हमने, पक्का चावल लिया है, कोई भी आप पक्का अच्छा चावल ले लीजिए और उसको 1 घंटे पानी में भिगो दीजिए। चिकन बिरयानी के लिए आधा किलो चिकन ले लिया है, इसको अच्छी तरह धो लीजिए। चिकन बिरयानी मसाला तैयार कर लीजिए, आधे किलो के लिए काफ़ी है, 8-10 10-12 हरी मिर्चें, 2 छोटे पीस अदरक के, 3 लहसुन की पीस, 2 टमाटर, 100 ग्राम दही, दालचीनी के टुकड़े 3 पीस छोटे छोटे, जायफल छोटी सी, जावित्री छोटा सा पीस, 1 चम्मच धनिया और 1 चम्मच सौंफ, और प्याज हमारी ये काट के हमने रेडी कर ली है। छौंक के लिए भी हमने मसाला तैयार कर लिया है, 10-12 काली मिर्च के पीस ले लिए हैं, 1 छोटी चम्मच आधी जीरा, 4 तेज़पत्ता के पत्ते, थोड़ी सी प्याज कटी हुई, 4 छोटी इलायची, 4-5 लौंग, 1 छोटा सा पीस दालचीनी का और 1 बड़ी इलायची, ये सब तैयार कर लीजिए। अब हम अपना मसाला पीस कर रेडी कर लेते हैं और सारे मसाले अपनी मिक्सी के जार में हम डाल देते हैं। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को ऑल पर क्लिक कीजिए। बिरयानी बनाने के लिए हमने भगोना गैस पर चढ़ा दिया है, अब हम इसमें सबसे पहले तेल डालेंगे। आपकी मर्जी है, आप रिफाइंड में बनाएं या घी में बनाएं, लेकिन हम तेल में बना रहे हैं। तेल हमारा गर्म होने जा रहा है, अब इसमें हम पहले सबसे पहले हम अपनी प्याज जो हमने काट के रखी है, ये देखिए, ये इसमें हम फ्राई करेंगे, तलेंगे प्याज को। बहुत आसान है चिकन बिरयानी बनाना। अगर आप नए हो तो हमारे इस वीडियो को देखकर आप आराम से बना सकते हो, आसानी से बना सकते हो, बहुत स्वादिष्ट लगती है, जल्दी झटपट तैयार हो जाती है। तेल गर्म हो गया है, अब इसमें पहले थोड़ी सी प्याज डाल के देखिए, अब इसको गोल्डन ब्राउन करनी है, इसको जलने ना पाए, चलाते रहिए। अब हमारी प्याज हल्की ब्राउन हो गई है, बस इसको अब हम निकाल लेंगे, अब इसको हम अलग निकाल लेते हैं। इसके अंदर से सारा तेल निकाल लीजिए, निचोड़ दीजिए, ऐसे करके रख दोगे आप सब निकल जाएगा। ये प्याज हल्की ब्राउन हमारी तैयार हो गई है, इसको निकाल लिया हमने एक प्लेट में और इसको हवा लगा देते हैं ताकि ये कड़क हो जाए। तेल के अंदर से हमने प्याज निकाल लिए, अब इसके अंदर हम अपने जो हमने मसाले सूखे तैयार कर रखे थे छौंक के लिए, वो डालेंगे इसके अंदर, दालचीनी, लौंग, छोटी इलायची, बड़ी इलायची और प्याज और तेजपात के पत्ते, चलाते रहिए, जलने ना पाए। हमारी प्याज ऑन हो गई है, अब इसके अंदर हम अपना चिकन डाल देंगे और इसको भूनेंगे। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों मिलने वालों को शेयर कीजिए। चार पाँच मिनट ऐसे ही भूनेंगे, हमारा चिकन भून गया है, इसमें हमने जो मसाला तैयार कर रहा है गीला वाला वो डाल देंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दीजिए, ध्यान रखें बिरयानी के अंदर नमक थोड़ा सा चटक होना चाहिए, जब ही बिरयानी का टेस्ट आता है। अगर नमक कम है तो आप चेक करके दोबारा इसके अंदर डाल दीजिए, लेकिन
अब 2 मिनट इसको पकने दें ताकि मसाला भी अच्छी तरह भून जाए। ये देखिए हमारा चिकन एकदम भून गया है। अब इसमें हमने टमाटर जो पीस 2 पीस थे काट के रख लीजिए, वो इसमें हमने डाल दिया। चिकन का कितना अच्छा कलर आ रहा है देखिए। मिर्च को हमने लंबा काट लिया है और इसको भी हम इसमें डाल देंगे। और टमाटर और हरी मिर्च डालने के बाद इसको कम से कम 5 मिनट आप भूनिए, टमाटर अच्छी तरह गल जाए। और चिकन हमारा पहले ही कितना प्यारा कलर इसका आ रहा है देखिए। अब इसमें दही भी शामिल कर देंगे हम। अब दही डाल के कम से कम 2-3 मिनट इसको खूब भूनिए। आप लोगों से गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त मिलने वालों को शेयर कीजिए। लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाता है। हमारा चिकन भुन गया है, अब इसके अंदर हम अपना पानी डाल देंगे। 1 लीटर पानी इसमें हमने डाल दिया है। इसमें अपने चावल जो हमने भिगो के रखे थे वो इसमें हम डाल देंगे। प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चावल डालकर इसको चला दीजिए। अब इसमें हम 1 चम्मच चीनी डाल देंगे। चीनी डालने से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा टेस्ट बन जाता है, खट्टा मीठा। अब इसमें हम 2 पीस आम का अचार और मिर्च का अचार डाल देंगे। और मिर्च का अचार इसमें हमने डाल दिया है। अब इसको ढक देंगे और 5 मिनट हो गए हैं, इसको हम चेक कर लेते हैं इसमें पानी कितना है। अभी हमारे चावल गले नहीं हैं, अभी इसको और हम पकाएंगे। पानी खुश्क होने के बाद इसमें जर्दे का रंग डाल दें। फ्लेवर के लिए इसमें जर्दे का रंग डाल दीजिए। अब हमारे बिरयानी कंप्लीट है, अब इस पे हम दम देंगे। अब हमारी हम देखते हैं हमारी बिरयानी को 10 मिनट हो गए हैं दम पे रखे हुए। अब हमारी बिरयानी कंप्लीट है देखिए। अब इसमें हमने जो प्याज काट के तली थी वो इसमें हम डाल देंगे। ये देखिए। जाते जाते लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।